श्रीराधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे याद है? इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, इस विषय पर हम श्रवण कर रहे थे। कहते गुरुपाद पद्म हैते अप्राकृत शब्द ब्रह्म वैकुंठ नाम पावा जाए, सही नामेर आभास ही संसार हैते मुक्त है। श्री गुरुपाद पद्म से जो अप्राकृत जो भगवत नाम है, कहते वो नाम को ग्रहण करने से क्या होता है? कहते वो नाम का आभास से ही संसार हैते हम मुक्ति मिलती है, संसार से हो जाते हैं। इसलिए बोले साधन का तीन अवस्था है। एक है साधन भक्ति, एक है भाव भक्ति और एक है प्रेम भक्ति। साधन अवस्था का दो लक्षण है, क्या क्या है बोलो? क्या साधन में उनके दो लक्षण है, क्या क्या है? कहते क्लेशग्नि और शुभदा। कहते उसमें केवल अगर सचमुच से हम साधन करें, गिरिराज महाराज की, कहते अगर हम सचमुच से हम साधन करें हैं, हम अगर सही सही हरिनाम करते हैं, साधन सही सही करते हैं, फिर उसका जरूर उसमें उसमें लक्षण दिखेगा, क्या है? कहते क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेशग्नि मतलब क्या है? जितने तरह का क्लेश है, जितने तरह का दुख कष्ट है, सबके सब दुख कष्ट खत्म हो जाए, कोई जीवन में दुख कष्ट रहेगी नहीं। ये कहते पाप, पाप का जो बीज, कहते अविद्या जो प्रारब्ध और जो अप्रारब्ध जो भोग अभी नहीं किया, कहते जो कूट बीज हैं, कहते जितने जड़ समेत सबके सब ये नष्ट हो जाता है अविद्या, पहला नंबर का। दूसरा नंबर किया बोले शुभदा। शुभदा मतलब है सब जगह में उनकी जय जयकार होने लग जाती, सब लोग उनका प्रशंसा करने लग जाते, सर्वत्र उनको नाम महिमा सर्वत्र प्रचार हो जाता है। इसलिए कहते भगवत नाम से, कहते साधारण नाम से तो भगवत प्रेम है, नाम से असली जो फल भगवान का प्रेम है, लेकिन नामाभास से ही आभास से ही मिल जाती है। कहते भगवान ने नाम कर ले आर मातृकुकिते आस्त है ना। कहते भगवान का नाम ग्रहण करने से कहते माँ की पेट में फिर जीव को आना नहीं पड़ता है, इसलिए कहते सकृत प्रणाम कृष्ण से मातिस्तन पिबेत नहीं। यहाँ तक भी बताया सकृत प्रणाम कृष्ण से, एक बार कृष्ण को केवल प्रणाम कर लेने पर कहते उसको कभी भी मैया का दूध उसको पीना कभी नहीं पड़ेगा, मतलब एक बार भगवान को प्रणाम करने का इतना महत्व है। और भगवान का नाम तो बहुत बड़ी चीज है, प्रणाम का अगर इतना महत्व हो अस्त हवे ना। इसलिए बोले अनावृति शब्दात, अनावृति शब्दात कहते ये वेदांत का एक सूत्र है, ये अनावृत शब्दात, अनावृत शब्दात मतलब है जो शब्द को पुनर्वार आवृत्ति करो,
हाँ, कौन सा शब्द को, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम एक ही शब्द को बारंबार आवृत्ति करते ना। हाँ, इसलिए बोले ये वेदांत सूत्र में भी बताया, ये भगवान का नाम को पुनः पुनः भगवान का नाम को हमें जप करनी चाहिए। ये हाँ, अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात, इसे कहते ये सब कथा एक बार सुने यदि बुझीते ना परा जाए, तबे पुनः पुनः सुनते हवे। देखो जितने हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं, कहते एतद् निर्विद्य माना नाम इच्छताम अकूत भयम जोगी नाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करने से हैं, कहते जो संसार से अभय पाना चाहते हैं, संसार से जो निकलना चाहते हैं, हैं, इसलिए उसको क्या करनी चाहिए, कहते भगवान का उसको नाम करनी चाहिए। सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, कहते सारे शास्त्र पुकार पुकार करके एक ही बात बताया, कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे परा, और हरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसमें दो दो लाइन में तीन तीन बार बता दिया है, हरि का नाम के द्वारा ही कल्याण होगा, हरि का नाम के द्वारा कल्याण होगा, हरि का नाम के द्वारा कल्याण होगा, फिर दूसरी लाइन में क्या कहते, नहीं नहीं नहीं, तीन तीन बार क्यों कहते, क्या कारण है, कहते इसलिए तीन बार बताए, किसी बात को अगर तीन बार बताते तो पक्की हो जाता है। और दूसरा कारण बताए, हम कलिजुग का जीव है, एक बार बोलने पर हम सुनने वाले नहीं हैं, एक बार बोलने पर भी हम उसको सुनने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने तीन 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 बार करके उन्होंने एवं शब्द मतलब होता है निश्चिंत रूप में, मतलब जीव का कल्याण निश्चिंत रूप में किसको द्वारा होगा, भगवत नाम से ही होगा, और कोई उपाय नहीं। लेकिन इतना हम रोज रोज सुनते हैं, तभी क्या भगवान का नाम में रुचि होता है। हम इतना बार सुन रहे कथा को, हरि का नाम को द्वारा ही कल्याण है, और सुनते 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 तब भी भगवान का नाम में रुचि नहीं होता है, हैं? अगर फिर इधर उधर का बात मिले ना, फिर तो हम उसमें रम जाते हैं। और भक्त विनोद ठाकुर ने बताए 10 तरह का नामा अपराध छोड़ करके हरि नाम करनी चाहिए, लेकिन 9 तरह का नामा अपराध तो कोशिश बहुत करने पर उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक नामा अपराध है शरीर प्रति मैं और ये मेरा, कहते ये दो इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, इसका छोड़ना बड़ा कठिन। तब तो उसने बताए फिर ये कैसे छूटेगी, बोले छूटी सकती है अगर कोई व्यक्ति उठते बैठते सोते जगते अगर हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति सब समय भगवान करते रहे ना, उसको समय ही नहीं, उसको समय ही नहीं, दूसरे चिंता के लिए भी समय नहीं, और उसको फुर्सत ही नहीं, ये शरीर का मैं और मेरा भावना आने का। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय हाथों में हरि नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाक आपन काजे, कहते भगवान का नाम को आश्रय करते हुए अपना काम में रहो, तो भगवत सेवा करो, हाथों में ठाकुर का सेवा करो, और मुंह में क्या करो, भगवान की नाम जप करो, ठाकुर का नाम जप करो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं ये सब कथा एक बार सुने यदि बुझते ना परा जाए, मतलब ये कथा सुन करके अगर हमारी समझ में नहीं आती हैं, फिर क्या करनी चाहिए, तबे पुनः पुनः सुनते हबे। हाँ, कहते बार बार सुनते 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 सुनते, हम बद्ध जीव है ना, हम बद्ध जीव, एक बार सुनने पर हमारी बोध नहीं होता है, कहते इसको बारंबार सुनते 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 अगर हमारे अंदर में हाँ, अगर भावना अगर प्रकट हो जाए हमारे हृदय में, ये वस्तु का प्रति अगर हमारी एकदम निष्ठा हो जाए, इसलिए क्या करनी चाहिए, बारंबार सुनते रहो बारंबार सुनते रहो बारंबार,
इस बात को सुनते 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 कभी 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 तो दिल में ये बैठते कभी जाएगी। सुनता है भाई कद शब्द ब्रह्मेर श्रुतिर वेदर जिन्हें आश्रय ग्रहण करबे ना ताके आबार संसार आस्ते हवे। कहते हमारी जितने वेद पुराण उपनिषद में सब शास्त्र में एक ही बात कहते हैं शब्द ब्रह्मेण श्रुतिर वेदर जिन्हें आश्रय ग्रहण करबे ना। जो लोग ये शास्त्र को आश्रय ग्रहण नहीं करेगा भगवत नाम को आश्रय ग्रहण नहीं करेगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर माँ के पेट में जाना पड़ेगा, उसको फिर माँ के पेट में आना पड़ेगा। लेकिन अगर इस शास्त्र का बात को सुनेंगे तो कहते फिर हमें दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा, मातृगर्भ में आना हमें नहीं पड़ेगा। और मातृगर्भ में आना मतलब है कहते नरक में आना, कहाँ आना नरक में आना है, टाटी पेशाब खून पी। इसके लिए मातृगर्भों का उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर में एक पतला कपड़ा ढक दो और उसके ऊपर टाटी पेशाब पी खून डाल दो, कितने बढ़िया लगेगा, हाँ बढ़िया लगेगा ना। इसलिए हाँ कहते कहते ये कहते माँ के पेट में यही अवस्था है और 9 महीना तक उसके अंदर में रहना और उल्टा लटकते हुए फिर इतने गर्मी हाँ इतना गर्मी है उसके अंदर में। इसलिए देखना जब बच्चा जन्म लेता है ना रोता है, देखे वो रोता, अगर नहीं रोता फिर जोर जोर लुराते हैं, हाँ क्यों रोता है इसका कारण क्या, उसका 2 कारण बताए। कहते पहला कारण बताए पेट में इतनी कष्ट, 7 महीना में उसको चेतनता आ जाती है, उसको बाद में इतनी कष्ट उसको होता है, इतनी गर्मी, आज अगर रसगुल्ला खाओ ना कल खीर खाया था आज पायखाना बन कर निकलता है, मतलब इतने पेट को अंदर में इतने गर्मी इतने कष्ट उठाना पड़ता है जीवों को, हैं फिर उसमें माताएं जो चटपटी गरम मसाला खट्टा मीठा खाते हैं गर्मी चीज पीते हैं वो भी बच्चे को कष्ट पहुंचाता है। कहते वहाँ पर कृमि कीड़े भी उसकी काटते रहते इतना कष्ट है। करेंगे फिर क्या होगा, फिर मैया के पेट में दोबारा आना पड़ेगा। अगर अगर इंसान का जीवन मिले तो अच्छी बात है, पता नहीं भगवान अगर फिर और कौन सा जीवन नहीं दे दे, फिर और कोई जीवन नहीं दे दे। हाँ एक कारण है क्या का एक कारण हो गया माँ के पेट में बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए जब जन्म लेता है हैं वो कहता है और नहीं हैं माँ के पेट में और हम घुसना नहीं चाहते हैं, और जाना नहीं चाहते हैं। हाँ ये रोता है, रोना रोना मतलब ये नहीं रो रो मतलब है, क्यों रोता है किस लिए जीव रोता है, रोने का यही कारण हम क्यों रोते हैं, ज़्यादा कोई दुख हो तो तभी रोते हैं ना, इसका मतलब है हम दुख नहीं चाहिए, रो नहीं मतलब ये नहीं हम रोएंगे, नहीं रोना मतलब यही है हम जिस वजह से रो रहे वो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए इसलिए हम रोते हैं, हैं मतलब माँ के पेट में और मैं जाना नहीं चाहता हूँ ये कारण। दूसरा कारण बताए जन्म होते ही तुमने रोया मतलब जिंदगी भर तो रोओगे। दुखालयम असास होता हूँ संसार बोलते दुखालय घर है, बोले कितना वीर बार होनहार की होते ही चिकने पात, इसमें बताए वीर बार होनहार की होते ही चिकने पात मतलब क्या है, जब कोई पेड़ जब उगता है ना पहले जब कोई पेड़ होता है उसको देख करके पता चल जाता है भविष्य में क्या बनेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा जो पढ़ाई करने जाता है जो बढ़िया पढ़ता है भविष्य चलता है भैया ये भविष्य में हाँ बढ़िया स्टूडेंट बनने वाले हैं, इसलिए पहला दिन रोया मतलब तू जिंदगी भर रोता रहेगा, इसलिए दो कारण से रोता है। इसलिए जो भगवान शास्त्र का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा भगवत नाम को ग्रहण नहीं करेगा उसको ताकि अवार संसार आस्ते हवे, फिर तुम्हें संसार में आना पड़ेगा फिर संसार में होना ही पड़ेगा। कहते भगवान के जिनी देखिए दीते पारणी जिनी 24 घंटार मध्य 24 घंटा ही भगवान ने नाम सेवा करें तार निकट ही भगवान कथा सुनता है वे भगवान ने सेवागार वो शिक्षागार ही मठ मंदिर। कहते हैं जो व्यक्ति 24 घंटा में जो 24 घंटा भगवान की जो सेवा करते हैं
छब्बीस घंटा। इसलिए प्रभुपाद ने उनका और एक उपदेश है, कहते हमें किसकी संग करनी चाहिए, हमें किसकी संगत करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते हमें उसकी संगत करनी चाहिए जो हर समय भगवान के भजन में डूब लगा रहते हैं। प्रभुपाद मना कर दिया, जैसे तैसे व्यक्ति का संग मत करो, करने से नहीं तो तुमको ऊपर से नीचे गिरा करके ले आएगा। हैं, जिसके अंदर में कमज़ोर है, जिसके अंदर में कमज़ोर है, अगर तुम उसका संग करोगे तो तुम्हारे अंदर में क्या ले आएगा, तुम्हारे तो कमज़ोरी ले आएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जिसका कहते उसका संग नहीं करनी चाहिए जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवत सेवा नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भैया ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। प्रभुपाद मना कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, नहीं तो तुम्हारी जो उच्चा भावना है उसको धीरे धीरे वो नीचे लेकर आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का संग करो तुम्हारी भावना को धीरे 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 जो ऊपर उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गिराने वाले व्यक्तियों का संग नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद बारम्बार ये चीज़ को मना कर देते हैं, क्योंकि संग ही हमें भगवत राज्य तक संग ही पहुँचाएगा। इसलिए हमने कहीं सुना था, जीवन में ऐसे एक संग को ढूंढो, क्योंकि संसार में आप देखना पिता माता के पास भी ज़्यादा समय नहीं रह सकते, उनको सामने गौरव बुद्धि से रहना पड़ता है, हैं, गौरव बुद्धि से। भाई को साथ में भी हर समय तुम रह नहीं सकते हो, किसको साथ में रह सकते हो, दोस्त को साथ में, क्योंकि दोस्त बराबर होता है ना, उसके साथ में हंसना बोलना खेलना, एक दोस्त को साथ में हर समय तुम जीवन को बिता सकते हो। इसलिए कहते ऐसे एक दोस्त ढूंढो, ऐसे एक दोस्त, इसलिए दोस्त ढूंढो सचमुच से जिसका वृत्ति भगवत भक्ति का वृत्ति हो, हैं, दोस्त किसको साथ में रहो सचमुच, अगर दोस्त अगर सिंसियर हो भक्ति में भजन में सिंसियर हो ना, वो दोस्त हमें धीरे 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 ऊपर उठा कर ले जाएगा। अगर कोई विपत्ति आएगा हमें समझाएगा, नहीं भैया ऐसे नहीं, भगवान का प्रति विश्वास करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की गुरु वैष्णव का विश्वास करो, पहले पहले हमारे जो गुरुवर्ग आए हैं उनका आदर्श को देखो, छोटे व्यक्ति का आदर्श को, अगर कभी मन खराब हो जाएगा वो हमें समझा सकते हैं, हैं, वो हमें समझा सकते हैं। इसलिए कहते भैया ऐसे के संगत हो, दोस्त हो, जो हमें हर समय गाइड करे और हमें गिरते गिरते से हमें बचाए। और मेरे गुरुदेव एक समय बोल रहे थे, जैसे वो भारती महाराज का जीवन, भारती महाराज का जीवन बोलते बोलते गुरुदेव बोल रहे थे, पहले मेरा अहोभाग्य था, भारती महाराज को हमारे गुरुदेव अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, है? शिक्षा गुरु मानते हैं, कहते मेरे अहोभाग्य था उन्होंने मेरे को लाए थे, क्योंकि भारती महाराज की कथा सुन करके मेरे गुरुदेव गए थे, और हमारे गुरुदेव विवेकानंद पार्टी का लीडर थे हमारे गुरुदेव, हैं, जब भारती महाराज आए पूर्व बंगाल में, इनका किसी दोस्त ने बताया, बोले बहुत बड़े का साधु आया है और साथ में भी बहुत बड़े साधु हैं, यहाँ पर उतरा है साधु, और भारती महाराज इतने लंबे चौड़े थे, हाँ, कहते उसी समय भारती महाराज का जो कथा है ना, सब जगह में भारती महाराज, भारती महाराज, भारती महाराज, हैं, सब जगह में, अगर प्रभुपाद कहीं गए, अगर भारती महाराज नहीं ना, सब भारती महाराज, भारती महाराज, भारती महाराज को ढूंढते थे, भारती महाराज ढूंढते, भारती महाराज नहीं आए, भारती महाराज नहीं आए, क्योंकि वो बहुत अच्छी कथा बोलते थे, बहुत सुंदर कथा बोलते थे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते जब उनको दर्शन किया, जब हमने कथा सुना, मैं तो पागल हो गया, कहते और मेरे को घर में नहीं जाना, और मेरे घर में नहीं जाना। इसलिए भारती महाराज को देख करके ही हमारे गुरुदेव आए, और बाद में फिर लास्ट में जो प्रभुपाद चले गए, सबके सब इधर उधर अलग हो गए, फिर उनने भारती महाराज के पास में, गुरुदेव कहते फिर मैंने फिर भारती महाराज के पास में फिर आया, और मेरे को अपना पास में रख कर के भारती महाराज हमको सारे भागवत पाठ कैसे करना, कीर्तन कैसे करना, भक्ति कैसे करना, फिर हमको अंतिम समय में भी उन्होंने सहारा दिया। इसलिए कहते जब तक जीव, कहते भावावस्था तक जीव नहीं पहुंच जाता है ना, हाँ, भरत महाराज के भावावस्था तक पहुंचते हुए भी वहाँ से उनको चुत होना पड़ा। इसलिए ये भक्ति जगत में, इसलिए कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुध, कहते करोड़ों कांटा झुकते हैं,
खुरस्य धारा निशित दुर्गतया दुर्गम पथस्तात् कवय वदन्ति। इसलिए कहते कभी लोग कहते जो भक्ति का मार्ग हो एकदम ब्लेड का जैसे धार है, ब्लेड का जैसे धार है। इसलिए भक्ति मार्ग में हमें सही 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 शरीर में भक्ति मार्ग में हमें चलनी चाहिए भक्ति राज्य में। इसलिए हमें को बचाने वाले एक व्यक्ति को ही होनी चाहिए। हाँ, दुख सुख आपद विपद में हम समझा बुझा करके कोई हमें बचाने वाले एक व्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवत नाम को हम ग्रहण नहीं करते हैं फिर हमें फिर इस संसार में आना पड़ेगा। अभी तो भगवान कृपा करके हमें मानव शरीर दे दिया, लेकिन पता नहीं अगली जीवन में फिर हमें कौन सा जीवन मिलेगा। अगर हम सही सही निष्कपट से भक्ति करेंगे तो फिर भगवान हो सकता है फिर हम दोबारा मानव शरीर ठाकुर जी फेर देंगे। इसलिए भगवान इसलिए कहते 24 घंटा हैं कहते जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भजन करते हैं जो अगर उनसे कथा उनसे अगर हम संग करें फिर क्या होगा। कहते ये फिर हमारी भक्ति बढ़ते रहेगी, भजन बढ़ते रहेगी। स्वयं जिसकी भक्ति में कमजोर है भक्ति में दुर्बल है अगर ऐसे व्यक्ति का अगर संग करेंगे फिर तो हो गया हमारे काम। इसलिए कहते देखो कहते ये मठ क्या है, ये मंदिर क्या है, प्रभुपाद क्या कह रहे देखो। कहते श्री भगवान रे सेवागार और शिक्षागार ही ये मंदिर। और एक डेफिनेशन दिया, क्या दिया, कहते मंदिर क्या है, मठ क्या है, बोले पठंती बसंती जत्र छात्रा, बोले जहां पर पारमार्थिक छात्र बसंती जहां पर रहते हैं और पठंती जहां पर पढ़ते हैं और रहते हैं और जहां पर भक्ति की विद्या भजन की विद्या जहां पर पढ़ते हैं और जहां पर रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको मठ कहते हैं। इसलिए कहते जो मठ है भगवान की सेवा की आगार है, जहां पर ठाकुर का सेवा पूजा होती है और जहां पर भगवान की शिक्षा दी जाती है वही मठ मंदिर है। इसलिए एक चीज को मठ में याद करके रखना, मंदिर का जो मेन काम है जैसे ठाकुर का सेवा है और भगवान की कथा है। अगर भगवान के मंदिर में कथा नहीं होता है केवल खाओ पियो और सो जाओ, नहीं, ये मंदिर ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। खाने पीने और खा के सो गए, नहीं, यहाँ पर जो मेन चीज है भगवान की कथा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब भगवत कथा होगी ना हम बद्ध जीव, इसलिए प्रभुपाद कहे ना पुनः पुनः सुनते हवे, बार बार सुनना पड़ेगा। अगर बार बार नहीं सुनोगे तो फिर भक्ति धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, हैं, इसलिए धीरे धीरे भक्ति डाउन हो जाएगी। कथा में नहीं, कीर्तन में नहीं, आरती में नहीं, और प्रसाद का समय पहले, प्रसाद समय पहले, प्रसाद को समय पर। इसलिए प्रभुपाद का समय में सुना था हैं कौन आरती में आया कि नहीं आया, टिप देते थे उसमें, टिप देते थे ये आरती नहीं आया तो खाना बंद, प्रसाद बंद है, प्रसाद नहीं मिलेगा। एक दिन में सब टाइट हो जाएंगे, सब सब दो दिन की जरूरत नहीं, एक दिन में सब टाइट हो जाएंगे। इसलिए आरती कीर्तन कथा इसको कर दिन भर अपना सेवा जो कुछ करो उसको करो, लेकिन जो मेन चीज है भगवान की कथा, कथा में बैठने पर क्या होता है इसका नाम शास्त्र है। शास्त्र मतलब क्या, जो हमें शासन करता है, इसलिए शास्त्रयतीति शास्त्र, जो हमें शासन करता है। अब देखना हम बद्ध जीव होने का नाते हमारा जो भावना है हर समय नीचे जाती है, ऊपर जाती नहीं, ऊपर तो बड़े कष्ट से ये मन को समझा बुझा करके भजन में बड़े कष्ट में लगाना पड़ता है, लेकिन आप गंदी चीज में देखना स्वाभाविक रूप में उस तरफ में चली जाती है। अब भजन के लिए तो उसको समझा बुझा करके उसको डंडा फंडा मार मार करके किसी तरह से उसको भजन में लगाना पड़ता है। हम बद्ध जीव है, हाँ बद्ध जीव है, लेकिन शास्त्र मतलब जो शासन करता है, जो बारम्बार शास्त्र को सुनेंगे नहीं भजन नहीं करेंगे तो ये दुर्गति है, ये नरक में जाना पड़ेगा, भगवान दो बार तुम्हें मानव शरीर देंगे कि नहीं कोई इसमें गारंटी नहीं, दूसरे जन्म के लिए अपेक्षा
मत करो, क्योंकि धीरे धीरे कलयुग बढ़ते जा रहा है। अभी तो कलयुग का ये स्थिति है, और जो दूसरा बार आएंगे हाहाकार हाहाकार, फिर मुसलमान हिंदू उल्टा पुल्टा, फिर क्या क्या लड़ाई। इसलिए भैया जितना जल्दी हो क्या करो, भजन करो और संसार से बाहर जाओ, ये कारागार से जितने जल्दी हो कारागार से निकल करके भगवान के पास में जाओ। जब ये चीज़ को हम बारंबार सुनेंगे, नहीं ये गंदी चीज़, ये गंदी चीज़ है, इधर नहीं जानी चाहिए, क्या होगा? सुनते 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 मन में रेखापात करता है, ये मन में ये रेखापात करता है, फिर धीरे 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 भजन में मन लगती है। इसलिए क्या करनी चाहिए, मंदिर में कीर्तन पाठ के लिए कीर्तन पाठ सबसे पहला चीज। इसलिए कहते हैं ना, धर्म सुनिष्ठ पुंसांग विश्वक्सेना कथा सुच न उत्पातयत यदि रति श्रम एव ही केवलम। कहते भक्ति की दूसरे दूसरे चीज में तुम्हारी रुचि है, लेकिन कथा में रुचि नहीं है। कहते कथा में रुचि नहीं, कहते भैया सब जीरो है। कहते तुम्हारी जीरो सब के सब, न उत्पात तय यदि रति, अगर तुम्हारी रति नहीं है कथा में, कहते श्रम एवं ही केवल, वो श्रम ही श्रम है, परिश्रम परिश्रम है। इसलिए कथा में जरूर बैठा करो और कथा सुना, क्यों कथा सुनते सुनते क्या होगा, बारंबार हृदय में, नहीं तो कथा नहीं सुनेंगे ना, जो गलती काम करते जाएंगे वो गलती करते जाते हैं, गलती काम करते ही जाओगे, फिर एक दिन देखो गड्ढे में गिर गए, एक दिन गड्ढे में गिर गए। इसलिए मंदिर में जो कथा कीर्तन है इसको पूरा सही रखो, अगर ये कथा कीर्तन सही रहेगा ना, देखो भगवान भी कृष्ण कृष्ण भी खुश होते हैं। इसलिए कहते ना, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्ति कीर्तन कथा करते मैं वहीं निवास करता हूँ। इसलिए कीर्तन कथा में हर समय मंदिर में होनी चाहिए, हर समय कीर्तन कथा होनी चाहिए मंदिर में। कहते अगर कोई हमें बचाएगा ना, यही चीज ही हमें बचा सकती है, और हमें कोई बचा नहीं सकती। इसलिए कहते मंदिर भगवान की सेवा और भगवान की हाँ कथा की स्थल है, ये शिक्षा की स्थान है। अभी हमको जो तिलक कंठी माला दिख रही है थोड़ी बहुत, इसका कारण क्या है, चूंकि हम अगर भगवान की कथा सुनी, ये कथा ही हम यहाँ तक खींच करके लाए, अगर जिंदगी भर कथा सुनते रहेंगे तो हमारी भक्ति भी बढ़िया बढ़ती रहेगी। कहते भगवत भक्त साधुगण भक्त हृदय अवलोकन करें, साधुर कृपा होले अमराव हृदय भगवान के देखते पावो। कहते बताओ क्या करते हैं, हैं क्या श्लोक क्या है, हाँ इसलिए कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्तम्, जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भक्त लोग क्या करते हैं, हर समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करते रहते हैं, भगवत दर्शन करते रहते हैं। पर हम कब भगवान को दर्शन करेंगे, कहते तभी हम भगवत दर्शन कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर में साधुओं का अगर कृपा हो, भक्तों का अगर कृपा हो, हम भी एक दिन हृदय में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। कहते भक्ति चखे भगवत दर्शन है, यही चौक दिए देखते गेले पृथ्वी जिनी से देखा हवे। कहते भगवत दर्शन कब होगा, बोले भक्ति चक्षु द्वारा ही भगवत दर्शन होगा, लेकिन ये जड़ नेत्र से है, ये जड़ नेत्र से भगवत दर्शन नहीं होगा। कहते ये जड़ आँख से क्या होता है, ये दुनिया का चीज तो देख सकता है, ये संसार का चीज तो देख सकते हो जड़ आँखों से, लेकिन भगवत दर्शन नहीं हो सकता। ये जगतेर व्यापारी यदि मुग्ध हो ही पड़ी ताहले आर भगवान के जानते पार लाभ ना। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं जगत व्यापार यदि मुग्ध ही पड़ी, कहते इसी जगत का व्यापार में अलग अलग चीनी समय अगर तुम मुग्ध हो गया, भगवान की भक्ति में मुग्ध नहीं हो करके, मोहित नहीं हो करके, ये जगत का वस्तु में अगर तुमने मुग्ध हो गया, फिर भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते।
इसलिए कभी कभी बताया कलाभ्यास, इसमें बताए हारमोनियम बजा रही, अगर उसको देख करके भैया ये तो बहुत सुंदर हारमोनियम बजा रहे, हमें भी थोड़ा हारमोनियम सीखनी चाहिए हैं, हम भी थोड़ा हारमोनियम सीखनी चाहिए, फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 तुम्हारी जो मन है जो भक्ति में लगा हुआ था, फिर धीरे धीरे भक्ति से हट करके फिर धीरे धीरे भक्ति उस तरफ में चली जाएगी। कि जगत में और किसी व्यक्ति को देखो, किसी गुण में कोई एक्सपर्ट कोई देखोगे, बोले भैया ये व्यक्ति तो बड़े इसमें एक्सपर्ट है इस विषय में, फिर क्या करोगे, फिर कलाभ्यास करने के लिए उसमें बताया कलाभ्यास में कैसे भक्ति से च्युत हो जाते हैं, फिर तुमने भक्ति को छोड़ करके फिर तुम्हें दूसरे चीज़ में लग गया, लेकिन कहते ना आए थे हरि भजन को और ओटो ने, तुम आया था किसी लिए, हरि भक्ति के लिए आया था, और तो किसी उद्देश्य में नहीं आया भक्ति, लेकिन भक्ति तो रह गया पीछे, लेकिन जो काम के लिए नहीं आया था उसमें तो लग गया, जो काम के लिए आया था ना वही छूट गया। जो मानव शरीर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति है। अब देखो जगत में हम लोग चाहते ना प्रतिष्ठा हो जगत में, यही तो चाहते ना जगत में। आप देखना जगत में कहते हैं स्वदेश पूज्यत राजा, जो राजा को अपना देश में ही पूजा मिलते हैं, लेकिन विद्वान का विद्वता का कहाँ पूजा होती है, सर्वत्र विद्यत क्या विद्या, हाँ विद्या सर्वत्र पूज्यते, और स्वदेश पूज्यते राजा, और जो विद्वता है विश्व ब्रह्मांड में उसकी पूजा होती है। और देखो भगवत भक्ति में जितने प्रशंसा जितने इज्जत दुनिया में, और कोई भी चीज़ देखो इतना इज्जत नहीं। देखो गुरुदेव को देखो, महाराज ने भजन किया भक्ति किया, जहाँ जाओ जिस देश में गुरुदेव कह रहे थे, मैं जिस देश में जब गुरुदेव प्रचार करने के लिए गए, जिस देश में जाए गुरुदेव के लिए दूध पंचामृत लेकर के गुरुजी के चरणामृत गुरुदेव को अभिषेक करने के लिए लाए हैं, गुरुदेव बोल रहे थे मैं जब गया मेरे को पूजा करने के लिए पंचामृत लेकर के आए, गुरुदेव के चरणों को पंचामृत से हम धोएंगे, हाँ पंचामृत से दूध दही से, गुरुदेव हम भारतीय है, ये गौ माता है, गौ माता है इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, उनका दूध से कभी हम अपना चरण को नहीं धो सकते हैं, हैं हम कभी चरण को नहीं धो। गुरुदेव जहाँ जहाँ गए जिस जिस देश में गए उसी देश में ही गुरुदेव की जय जयकार है। कहते अगर सबसे जगत में अगर बड़े बड़े से प्रतिष्ठा मिल सकती है केवल भगवत भक्ति को द्वारा ही, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा जैसे अभी मोदी मोदी अगर अगले इलेक्शन में नहीं आएंगे तो कौन पूछेगा, मनमोहन सिंह था अभी उसको कौन पूछता है दुनिया में, कोई नहीं पूछ रहे, जो हीरो हीरोइन थे कितना उसको 10-20 साल पहले जिनको थे अभी दुनिया में कोई नाम नहीं ले रहे। हनुमान जी को देखो त्रेता युग में ध्रुव प्रहलाद कब आए, सत्य युग में आए, कितने लाख साल पहले आए, अभी भी इनका नाम भागवत में अमर अक्षर में, केवल इसी युग में नहीं, कहते जब प्रलय हो जाता है आत्यंतिक लय प्रलय हो जाता है संपूर्ण दुनिया ध्वंस हो जाता है, फिर ये ग्रंथ पुनः अपना कहते कृष्ण इच्छा से आते और कृष्ण इच्छा से ग्रंथ चले जाते, फिर जब दो बार सृष्टि होगा ना फिर यही भागवत आएगा, फिर यही गीता और क्या यही भागवत आएगा। इसलिए व्यास जो भागवत को व्यासदेव ने नहीं लिखा है, दर्शन किया समाधि ग्रंथ है, कहते भागवत तो नित्य है, हाँ ये नित्य ग्रंथ है। कृष्ण कहते ना गीता को अर्जुन मैंने सूर्य को भी यही ज्ञान कभी मैंने दिया था, अभी दो बार ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए ग्रंथ नित्य है। इसलिए अगर भक्ति करके अगर जगत में नाम हो गया ना, जब फिर सृष्टि आएगी फिर तुम्हारी जगत में नाम आएगा, लेकिन जगत का जितने जगत का जितने महिमा दो दिन बाद में सब खत्म। इसलिए राय रामानंद महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते क्या प्रश्न करते हैं, कह राय क्या हाँ कीर्तन मध्य कौन कीर्ति जानी, कहते राधा कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्त जार सही बड़ा की कीर्ति है, कहते जो भगवान की भक्त बोल करके जगत में जिसका नाम हो गया जगत में सबसे बड़ा कीर्ति वही वही कीर्ति सबसे बड़ा है।
इसलिए अगर कीर्ति जीवन में पाना है, जगत का कीर्ति का तरफ में नहीं भागनी चाहिए। हम कैसे भगवान की भक्ति करके, भजन करके कैसे कीर्ति को अर्जन करें, ये कीर्ति के लिए हीरो बनना। तो किस चीज़ में? भगवान की भक्त बन करके हीरो बन जाओ, बाहर ये हीरो कभी जीरो नहीं होंगे, ये हीरो कभी जीरो नहीं होंगे, हीरो हर समय हीरो ही रहेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भक्ति चक आँख में ही भगवत दर्शन होता है। वही चौक दिए देखते के लिए पृथ्वी जी से दिखावे जगतेर व्यापार जित मुग्ध हो ही पड़ी। जगत का किसी चीज को देख करके अगर उसमें हमारी मुग्ध हो गए, भैया इसमें तो बड़ा नाम है, हैं क्या होगा? फिर असली चीज पीछे रह जाएगा, नकली चीज आगे आ जाएगी। पड़ी ताहले आर भगवान के जानते पारला ना, पर भगवान के नहीं जान सकते। दुनिया को जान सकते लेकिन भगवान को नहीं जान सकते हो। इसलिए अमरा आर एक टू समय नष्ट कर बना। प्रभुपाद कहते हैं हम अभी थोड़ी सी भी समय को नष्ट नहीं करेंगे। नष्ट नहीं कर क्या? सर्वोत भावे सर्वशेर आधार जे भगवान तार विषय चिंता करवो। की करवो? क्या क्या करेंगे? प्रभुपाद कहते हैं सर्वत भाव में कहते सर्व सुख का जो आधार, जीवन में शांति चाहते, सुख तो चाहते लेकिन शांति सुख कहाँ पर है? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। सुख दुनिया में और कहीं नहीं है, कहीं शांति सुख नहीं है, भगवान के चरण में ही अशोक है, अभय है और अमृत भगवान की चरण में। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ताहते एखन विश्राम लभिया छाड़िनो भवेर भय। जब तक उनकी चरण में शरणागत नहीं होते हैं तब तक संसार का डर भय हमारी नहीं जाएगी। जिन्हें बालक राखे मेहतारी, जैसे माँ एक बालक को रक्षा करती हैं, जब हम ठाकुर की शरण में आ जाते हैं भगवान हमें संपूर्ण रूप में रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हाँ इतना है केवल ठाकुर का चरणों का आश्रय लेना है। ठाकुर तो हमें अपनाने के लिए तैयारी बैठे हैं, हाँ। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं ना जब जीव भगवान को भूल करके चले जाता है, भगवान उसको पीछे पीछे भागते रहते, भैया एक बार मेरे तरफ पे झांक कर तो देख, तो काम आया में जा रहे हो, मेरे तरफ में एक बार झांक कर तो देख। इसलिए भगवान भी रो रो करके हमारे पीछे पीछे भागते रहते, एक बार कब तुम मेरे तरफ में देखोगे? गदे एक टू भी समय नष्ट नहीं करके क्या करो, सब सुख का जो आधार भगवान है उनका चिंता करो, तार अनुशीलन करवो। इसलिए किसकी अनुशीलन करेगा? भगवान की अनुशीलन करके तत्फले भगवत दर्शनेर बाधा गुली कट जावे। जब हम भगवत दर्शन के लिए उत्कंठा होएंगे क्या होगा? तत्फले हाँ, जब भगवान की सेवा के लिए उनकी भक्ति के लिए कोशिश करेंगे तत्फले भगवत दर्शन अरे बाधा गुली कट जावे। भगवत दर्शन का जो बाधा है वो सब के सब खत्म हो जाएगा। श्री कृष्णेर आराधना द्वारा ही हमादेर परम मंगल लाभ हवे। कि जगत में जितने मंगल हैं कहते भगवत आराधना को द्वारा ही सबसे ज्यादा अगर कोई मंगल हो सकता है भगवत आराधना से ही होगा। जे मूर्ते बुझते पार्वो, जिस समय ये चीज को हम समझ जाएंगे भगवत आराधना का द्वारा ही परम कल्याण होगा। भगवत वस्तु अमार प्रभु, सही मुहूर्त ही अमार सुविधा वे। भैया और किसी चीज में तुम्हारी सुविधा होने वाले नहीं, जिसको तुम सुविधा समझ रहे हो ना, बढ़िया समझ रहे हो, प्रभुपाद का तो बढ़िया है नहीं, वो मृग मरीचिका है, वो दिखता है ऊपर से पानी पानी ऊपर से दिख रहा है, लेकिन जिसको पीछे तुम भाग रहे हो ना पानी मान करके, जा करके देख रेगिस्तान है और कुछ है नहीं वहाँ। जिसको पानी समझ रहे हो पानी पानी कुछ नहीं है, वहाँ पर जा करके देखोगे वो पानी नहीं, वो पूरा के पूरा तुम समझ रहे हो। इसलिए हमार सुविधा ये जगते जे मुहूर्त बुझते पारबो हैं, भगवत वस्तु हमारे प्रभु सही मुहूर्त ही हमारे सुविधा हवे, तभी तुम्हारी जीवन में सुविधा होगा, मंगल होगा। किसको द्वारा सुविधा होगा?
जब भगवान की शरण में जाओगी। ये जगते आराधना करवार आर कौन वस्तु नाई, जगत में आराधना करने का जगत में कोई भी वस्तु आराधना करने का नहीं। क्यों? जिसने बनाया वो स्वयं कहते दुखालयम अशाश्वतम, वो स्वयं जिसने बनाया वो स्वयं कह रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे पिताजी को दुख मिला थोड़ी हमें दुख मिलेगा, हम तो बहुत बढ़िया बनेंगे, हम तो आनंद करेंगे। पिताजी को जीवन भर, एक समय गुरुदेव बोल रहे थे, कहते पिता माता बच्चे को शादी करने के लिए पीछे क्यों पड़ते हैं, पिता माता बच्चे को शादी कराने के लिए इतना पीछे क्यों पड़ जाते हैं। गुरुदेव बोले थे इसीलिए, बोले हम जिंदगी भर संसार में दुख कष्ट पाए, सारे दुख कष्ट को जीवन में झेला है, सारा जीवन दुख कष्ट, तू कैसे निकल जाओगे दुख कष्ट से, निकलने नहीं देंगे। ए शादी कर, शादी करके फंस। आपको पता होगा जो एक नित्यानंद था, नित्यानंद वो जो पहले फिल्म में काम किया है, नितान था ना मेरे का शिष्य है, वशिष्ठ के भाई है। अभी वो तो एक ही बेटा था, वो कोशिश करता साधु बनने का, लेकिन उसको पिता माता उसको पता नहीं पीछे क्या क्या करने लग गए, उसको इतने परेशान इतने करने लग गए। अभी देखो भक्ति भक्ति दिखना है कहाँ गया। ओ मैंने फोन करके उसको एक बार बुलाया, फोन करके बंद कर, उसको मैंने फोन करके हमने उसको बुलाया तो